नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। खबर है गुजरात के नर्मदा जिले से। जी हाँ, आज एनसीसी कैडेट्स के द्वारा पर्यावरण बचाओ के उद्देश्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। यह रैली डांडी से निकली, जो कि राजपीपला होकर आज सुबह स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया कॉलोनी पहुंची। यहां पर कर्नल विवेक चतुर्वेदी तथा बीएस पटेल ने फ्लैग दिखाकर रैली को प्रस्थान कराया। इस कार्यक्रम में एनसीसी के बच्चों ने स्टैचू ऑफ यूनिटी के परिसर में पर्यावरण बचाओ का एक छोटा सा नाटक भी प्रस्तुत किया, जिसको देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें, यह रैली केवड़िया कॉलोनी से निकलकर बड़ौदा होकर भावनगर और अंत में पोरबंदर तक जाएगी। कार्यक्रम के संबंध में इंडिया खबर लाइव संवाददाता गौतम व्यास से विशेष बातचीत में जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल शेफाली बहन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। गुजरात नर्मदा से गौतम व्यास की एक रिपोर्ट। जिला नर्मदा गुजरात का ये सौभाग्य है कि केवड़िया कॉलोनी में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी का, क्योंकि ये विश्व प्रसिद्ध स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इसका आज महत्व इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे एक्स एनसीसी कैडेट के द्वारा दांडी की यात्रा मोटरसाइकिल पर की जा रही है और ये यात्रा उन्होंने दांडी से की और आरंभ करके कल वो राजपीपला पहुँचे और आज यहाँ स्टैचू ऑफ यूनिटी से बाइक से उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की। यहाँ फ्लैग ऑफ किया गया। अब ये यात्रा करके वो भावनगर जा रहे हैं। भावनगर से अंतिम पड़ाव उनका पोरबंदर है, जहाँ पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। दांडी वह स्थान जहाँ पर गांधी जी ने नमक बनाकर अंग्रेजों से अपनी एक सत्याग्रह की लड़ाई लड़ी थी और उनकी आज्ञा का पालन बहुत ही विनय के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करके नमक बनाकर किया था। इस यात्रा का इसलिए भी महत्व है क्योंकि इन एक्स कैडेट के द्वारा भारत को बचाने के लिए, देश के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इन्होंने अपना ये उद्देश्य निर्धारित किया है। इनका उद्देश्य है कि ये जन जन को, लोगों को जगाने का कार्य करेंगे। सेव इन्वायरमेंट, सेव वाटर, सेव ट्री, सेव प्लांटेशन,